कि वो जो कहते हैं करके दिखाते हैं, और वो बेचारे कहते कहते रह जाते, कर नहीं पाते। ये सब जानकारी। कल का एक अनोखा दिन होगा। कल जब आप ये काम करोगे तो इसमें लोग बड़ा आश्चर्य करेंगे, अरे भाई निमंत्रण दे रही। तो लोग कहते महात्मा निमंत्रण खाने का शौकीन होता, जाता है दान दक्षिणा धोती रोटी लंगोटी मांगता है। तो हमने कहा भाई हम कोई महात्मा है नहीं, हम कोई संत गुरु तो है नहीं, हम तो तुम्हारे सेवक हैं, सेवा करने वाले, और सेवा कर रहे हैं। और देख लो हमारी बेचारी प्रचार समिति खुलेआम सेवा कर रही है। तुम्हें इसके बारे में कुछ सोचना नहीं चाहिए, मैं तो करके दिखा रहा हूं। और मैं सबको प्रणाम करता हूं, जो सबको प्रणाम करता हूं सबसे छोटा, वो गुरु कैसे बन जाएगा, वो भगवान कैसे बन जाएगा। ये बात आपको समझनी चाहिए, जो सबको प्रणाम करता हूं सबसे छोटा, और जो सबसे छोटा है वो अपने आप को कुछ कह ही नहीं सकता, ना अपने नाम का प्रचार करेगा अपने नाम के आगे, ना संत लिखेगा, ना सदगुरु, ना भगवान, ना सरकार महाराज, कुछ। वो कहने वाले कुछ भी कह दें वो उनकी आस्था है, लेकिन मैं कभी कुछ नहीं कहता हूं, क्योंकि मैं ये प्रचार करने आया नहीं। मैं जय गुरुदेव प्रभु नाम का प्रचारक हूं, मैं उसका प्रचार करता हूं। और आश्रम नैमिषारण्य में है, ये परिचय है, तो जानकारी आपको। यानी फिर आपको कुछ सोचना नहीं चाहिए। पत्रकार मीडिया ने बहुत कुछ पूछा, हमने कहा सब गलत है, सब गलत है। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं बस ऐसा, और मेरे पास यही है, जो एक कपड़े आप लोग दे देते तो पहन लेता हूं, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं थे। और एक रोटी दोपहर एक शाम, बस दो रोटी का खर्चा, कोई फल फूल मेवा ये कुछ है। आप दे देते हो, तुम्हारी तुम्हारी आस्था प्रेम रखने के लिए एक आध भले टुकड़ा ले ले, बाकी मैं ये खाता नहीं, मेरा भोजन नहीं है, मेरा भोजन नहीं, न फल न फूट न मेवा न दूध न घी न ये तो कुछ, न घी तेल तली चीजें, बहुत सादा भोजन कर, चार पांच अनाजों की एक रोटी, चार पांच अनाज मिला के एक रोटी दोपहर एक साथ, बस इतना खर्चा। तो जब खर्चा नहीं है तो हम तुमसे क्या मांगे, मांगने क्या जरूरत नहीं है। अब आप कहते हो नहीं नहीं भाई हम जा नहीं पा रहे, हमारे पास समय नहीं, बाल बच्चों को छोड़ के हम कैसे आपके साथ चलूं। प्रसाद तो ठीक है सबके लिए, सबको करना चाहिए, तो ऐसा करो हमारा कुछ धन कोई हमारी सेवा लगा देना, तो हमको उसका लाभ मिल जाएगा। हमने कहा अगर ऐसी तुम्हारी कोई श्रद्धा सेवा भाव है तो मैं तुम्हारी सेवा नैमिषारण्य में लगा दूंगा, और चल के देख लो एक एक पाई तुम्हारी लगी। मैंने चार वर्षों में तीन आश्रमों का निर्माण कर दिया, कितनी जमीन और तीन आश्रम। अब आप सोचिए एक एक पाई तुम्हारी लगी, क्योंकि मेरे कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए मैं आपसे मांगू, या मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता नहीं, विद्युत खुली किताब है कुछ नहीं। ऐसा बैठा हूं जब समय देखता हूं तो बस उठाया उठाया, मतलब यानी जला चल दिया। सामान होता तो चिंता होगी भाई ये सामान कहाँ जाएगा, कुछ नहीं, जैसा का तैसा वही छोड़ दिया। तो हमें तो जरूरत नहीं, लेकिन आपको जरूरत है, तो आपकी जरूरत के लिए व्यवस्था है, उसे चल कर देख लो कि भाई तुम्हारा दिन कहाँ लगा। मैंने तो मांगा नहीं, आपने स्वेच्छा से दिया, मैं नहीं मांगता कभी, ना पहले कभी मांगा ना आज ना आगे मांगू। स्वेच्छा से जो प्रेमी दे रहे उसी से इतना बड़ा काम हो गया। 3 साल में 3 आश्रम, और मथुरा में 60 साल में 1 बन पाया, उसकी भी सुरक्षा नहीं रख पाए, उसको इतना गंदा कर दिया, तब हमको नैमिषारण्य में आश्रम बनाना पड़ा। अगर वो पाक साहब बना रहता तो क्या जरूरत थी बनाने की, तो बना ही था वहां, तुम बहुत गंदा कर दिया। उस गंदगी को अपने मुझसे कहना अच्छा नहीं है, क्योंकि मंदिर अपना है, आश्रम अपना है, गुरुद्वारा अपना, जो अब अपने की बुराई कही जाए तो बड़ा अच्छा नहीं।
लेकिन जब किया गया तो उसको प्रेमियों को तो बताना पड़ेगा भाई इतना गंदा कर दिया है कि जब गंदगी कभी खुलेगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या क्या किया गया। एक सत्य को छिपाने के लिए हजार झूठ बोल रहे और झूठ छिप नहीं सकता, सत्य को कोई छिपा ही नहीं सकता। तो तीन तो चीज है, देखते जाइए आप धीरे धीरे सब। जय गुरुदेव, गुरुदेव। आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपका दर्शन कर लूं और ये प्रसाद देता। प्रसाद को रोज देता हूं मैं, जानता हूं कि आप परेशान हैं, बीमारी परेशानी है, वो सबका निदान है ये इलायची दाना। ये लड्डू नहीं प्रसाद है, वो प्रसाद है। लड्डू तो बाल बच्चों के लिए दे दिया जाता, लेकिन प्रसाद असली है ये रामदाना इलायची दाना। तो इसको ले जाओ और इसमें मिला लेना और घर में रख लेना। कोई इमरजेंसी, कोई आपत्ति, अकस्मात आ जाए तो आप इसका प्रयोग करो। एक दो दाना मुंह में डालो, दस बार जय गुरुदेव नाम लो, देखिए आपको कुरतंत प्रसाद और नाम दोनों अपना परिचय तुरंत दे देंगे। लेकिन शर्त यह कि आपको शाकाहारी रहना पड़ेगा। अगर शाकाहारी नहीं तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी तो इस पर कि आप पूर्ण शाकाहारी हो जाए तो ये नाम और प्रसाद सब काम करेगा, हमेशा काम करेगा, कभी आपको नुकसान होने वाला ही नहीं। यही तो सच्ची पहचान है जिंदा मुर्दा की। लोग कह रहे हैं बाबा जी मर गए, हमने कहा भाई मर गए तो मुर्दा तो काम करता नहीं, तो प्रसाद कैसे काम कर रहा, ये नाम कैसे काम कर रहा, ये तो प्रमाण है। और तुम कह रहे हो मर गए तो तुम जरा प्रमाण दिखा दीजिए, तुम भी झंडा लिए घूम रहे हो, झंडा गाड़ करके ये काम तुम करा सकते हो, ये किसी के बस की बात है। तो सत्य को तुम कैसे छिपा लोगे, लाख प्रयास तुमने किया लेकिन मैंने सत्य को छिपने नहीं दिया। हकीकत हकीकत है और तुम्हारे सामने, उसमें इधर उधर की बात कहने की क्या जरूरत। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन में खड़े हो जाओ, मैं दर्शन आपका करूं।